वेलकम टू द सिजलर्स। थंबनेल को क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे पनीर इन व्हाइट ग्रेवी, या इसे नवाबी पनीर भी कहते हैं। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नवाबी पनीर बनाने के लिए हम लेंगे 15 काजू, 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स, ये आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे, 2 टेबलस्पून खसखस, पानी मिलाएंगे और एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। फिर उसी पेस्ट में हम डालेंगे 2 प्याज कटे हुए, 2 हुई हरी मिर्च और इसे दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे ताकि खसखस अच्छे से पिस जाए। फिर हम फ्राइंग पैन में लेंगे तेल, जिसके गरम होने पर हम इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर 400 ग्राम पनीर यूज किया है। इसे हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जब इसका कलर ब्राउन होने लगे हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसी फ्राइंग पैन में हम डालेंगे तेल, जिसके गरम होने पर हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च और फिर एक एक करके खड़े मसाले डालते रहेंगे। 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 छोटी दालचीनी के स्टिक और 2 तेज पत्ते, इन्हें फ्राई कर लेंगे। फिर डाल रहे हैं 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। जब आप देखें कि ये फ्राई हो चुके हैं, हम इसमें डालेंगे पानी। अब हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर, जो कि डालते वक्त पैन में पहले से ही थोड़ा गिर गया है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। ऐड कर रहे हैं नमक, 1 चुटकी चीनी, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। जब सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए हम डालेंगे पहले से बनाया हुआ पेस्ट। पेस्ट के डालने पर क्योंकि कंसिस्टेंसी ठीक हो चुकी है, हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और हम मिक्स करेंगे। जब मसाले मिक्स हो जाए और ग्रेवी फिर से ठीक होने लगे, हम ऐड करेंगे 1 कटोरी दूध। हमने 2 भाग में डाला है ताकि गाठे ना पड़े। डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है इसलिए अब हम डालेंगे पनीर के टुकड़ों को। इसे ग्रेवी में कोट कर लेंगे। और लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 3 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इसे फाइनल मिक्स कर लेंगे और तैयार है नवाबी पनीर की रेसिपी, जिसे आप रोटी, पराठा या नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपके लिए एक टिप, अगर आप बिना फ्राई किए पनीर को ग्रेवी में डालना चाहते हैं, तो डालने से पहले 10 मिनट तक इसे नॉर्मल पानी में सोक करें। इससे पनीर सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा, फिर इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये बिखरेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रेसिपीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए रेसिपी या एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द सिजलर्स। ईट गुड टू ट्रैवल अलॉट। शुक्रिया।